मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा अब देख सकते हैं मैं पपीता का सब्जी बना रहा हूँ। पपीता हमारे फ़ायदेमंद कितने होते हैं आपको पता ही है दोस्तों, कच्चा हो या पक्का बहुत सारे इनके फायदे हैं और हमारे शरीर के लिए तो और भी ज़्यादा, को डॉक्टर भी खाने के लिए खाते दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कोई केमिकल्स वगैरह खाद वगैरह कुछ भी नहीं होता इसमें, पूरा नेचुरल होते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अलग होते हैं दोस्तों। जब आप हमारे इस देसी तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए इतना पसंद आएगा आपको, बच्चे हो या बड़े सभी लोग मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ आधा किलो के करीब मैंने पपीता लिया, इसको मैंने छील के छोटे छोटे पीस में काट लिया। आप देख सकते हैं, आप अपना पसंद से कट सकते हैं, आपको जैसे भी स्लाइसेस करने हो पपीता का तो आप ले सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे और पतले पतले स्लाइसेस किए हैं, आप देख सकते हैं। उनके बाद क्या करना है दोस्तों, मैंने इधर कढ़ाई में 2 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। इसमें कढ़ाई में पानी हमारा गर्म हो गया है, देख सकते हैं, बस इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। जब पानी से भाप निकालने लगे दोस्तों उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का एक चुटकी नमक और थोड़ा सा तेल सरसों का। सरसों का तेल में बनाइएगा दोस्तों सब्जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। और चूल्हे पे चूल्हा का खाना तो आपको पता ही कितना सुंदर और टेस्टी लगता है। उनके बाद हम सारे पपीता का डाल देंगे, डालने के बाद दोस्तों इसको हम चला लेंगे पपीता को, हमको इसको अच्छे तरीके से चला लेना है। इसको बाद मैं इनको ढक दूंगी करीब 4 से 5 मिनट के लिए, हम इनको पपीता को उबालेंगे और इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उबालना है 4 से 5 मिनट। तो 4 से 5 मिनट उबाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट उबालने के बाद देख सकते हैं हमारे पपीता अच्छे से उबल गए हैं और अच्छे से सीझ गए, देख सकते हैं अच्छे से कट रहे हैं। अब मैं इनको छान लेती हूँ, पपीता को सारे हम छान लेंगे, तो मैं फटाफट से इसको छान लेती हूँ। तो मैं इनको छान के निकाल ली हूँ दोस्तों, देख सकते हैं अच्छे से कढ़ाई में इधर धो के चढ़ा दी हूँ। तो इधर मैं कढ़ाई को धो कर चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए और इधर मैं पपीता ले लूँ। पपीता का जो पानी था दोस्तों आप उसे पी भी सकते हैं या फिर उसका दाल भी बना सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं वो। तो मैं उनका दाल बनाती हूँ। तो अब उनका कढ़ाई गर्म हो गया दोस्तों, अब इनको कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना है। तो इधर मैं कढ़ाई में तेल डाल दूँगी दोस्तों, हमारा मेन प्रोसेस है कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना। तो हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसमें सरसों का तेल डाल दूँ करीब 3 से 4 चम्मच, उसके बाद जीरा और कलौंजी और 3 हरी मिर्च। मैंने लाल रेड कलर का लिया है दोस्तों, आप भी लीजिएगा, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है पपीता में। उनके बाद ये पपीता मैं डाल रही हूँ, पपीता को मैं अच्छे से चला लूँ, देख सकते हैं पपीता कलर कितना सुंदर रेड रेड हो गया है दोस्तों। मैं इनको करीब 2 से 3 मिनट इसी तरीके से भूनूंगी ताकि पानी वगैरह जो है इनसे निकल जाए। तो हमारे सारे पपीता भून गए हैं, अब देख कर अंदाजा लगा सकते हैं इसी तरीका इसका हो जाए, 2 मिनट में अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। उनके बाद में नमक स्वाद अनुसार, नमक मैं उस टाइम भी डाली थी, उसके बाद हल्दी पाउडर और ये हमारे सारे मसाले, इसमें धनिया जीरा सरसों काली मिर्च 1/2 इंच के करीब, अदरक सूखा मिर्च और आमचूर पाउडर और मैं प्याज लहसुन नहीं देती हूँ क्योंकि नवरात्रि चल रहा है दोस्तों, अभी प्याज लहसुन हमारे यहाँ नहीं डालते हैं, मैं नहीं डालूँ, आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। उनके बाद हम इसको अच्छे से मसाला डालने का बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ हमने मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसे 5 मिनट और ढक के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला वगैरह अच्छे से पक जाए, नमक वगैरह अच्छे से अंदर पक जाए मसाला वगैरह करते समय। मैं इनको 4 मिनट ढक के पकाऊंगी और मैं मसाला पीस के डाली थी दोस्तों, आपको पाउडर हो तो आप उसको थोड़ा सा कटोरी में थोड़ा सा पानी मिलाकर और मसाला को थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा तभी आपका सब्जी हमारे इस तरीके से बन पाएगा। मैं सिला लोड़ी में पीसी थी दोस्तों, तो 4 से 5 मिनट मैं उनको देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको और बीच बीच में आप चलाते रहिएगा धीमी धीमी आंच में। तो लीजिए दोस्तों हमारा पपीता का भुजिया एकदम से बनकर तैयार है दोस्तों।
देख सकते हैं कितना टेस्टी है और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे पपीता का भुजिया। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में। और ये तो हमारा पहले ही पक गया था दोस्तों, देख सकते हैं कितने आसानी से हमारे कट रहे हैं। तो मैं उनको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो लीजिए दोस्तों, फटाफट से हमारे पपीता का भुजिया बनकर तैयार है दोस्तों। जो लोग डाइट करते हैं वो भी खा सकते हैं, जो लोग मतलब कि तबीयत ख़राब है उनका वो भी खा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं दोस्तों। मैं पहले ही बता दी हूँ आपको, तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है प्लीज़ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को। तो बाय बाय दोस्तों।